Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on AI, काफी ज़्यादा uh, trending topic है, इसके ऊपर based uh, passages आते हैं uh, exams में, and उसी uh, से related हम एक interesting uh, editorial पढ़ेंगे, तो Indian Express से. Uh, but before starting, हम, मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी एक GDP, GDPI एक्सेलेंस कोर्स लॉन्च किया है इसमें आपको वन ऑन वन इंटरव्यू मिलेगा विद एन एक्स सी जी एम ऑफ आर बी आई तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा एंड मोर देन ट्वेंटी फाइव डिटेल सेशन्स होंगे जो कि स्पेसिफ़िकली सिट बी एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं ताकि आप अपने इंटरव्यू को एक्सेल कर सकें पी डी एफ मटीरियल्स मिलेंगे जिसमें uh, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हैं डिफरेंट फॉर्डर पॉइंट्स हैं आपके ग्रुप uh, डिस्कशन के लिए डिफरेंट सब टॉपिक्स पर कि आप क्या क्या uh, जो है कंटेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो तो वो सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं पी डी एफ़ कोर्स में यू विल हैव पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन्स व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप तो अगर आपको कभी को भी कोई भी डाउट्स uh, हैं कुछ भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं बिल्कुल एंड uh, आपके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन्स भी हैं uh, जो आपकी ओवरऑल uh, जो प्रिपरेशन uh, है वो उसमें हेल्प करेंगे ओके तो ये कोर्स टू ट्रिपल नाइन पर अवेलेबल होता है बट इट इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट विद द कोपन कोड सिट बी ट्वेंटी एंड यू कैन गेट इट एट टू थ्री नाइन नाइन वी हैव ऑल्सो लॉन्च पी एम प्रैक्टिस प्रो इफ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स देन यू कैन चेक दिस कोर्स इट इंक्लूड्स बोथ पी एम बैंकिंग प्रो एज वेल एज बोथ पी एम बैंकिंग प्रो एंड बैंकिंग पी डी एफ कोर्स ये दोनों कोर्सेज हैं तो इसमें मोर देन 5000 थाउजेंड मॉक टेस्ट हैं टू मोर देन 20000 थाउजेंड क्वेश्चन हैं डिफरेंट टॉपिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये और जो है डिटेल्ड सोल्यूशंस हैं तो ये आ, आपकी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में यू कैन गेट इट एट अ प्राइस ऑफ ट्रिपल नाइन 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 ट्रिपल नाइन और ये आप अगर पी एम ट्वेंटी कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ओके okay, सो so, Uh, आज जो हमारा टॉपिक है uh, वो है अबाउट टू अटेंड ऑल योर मीटिंग्स येस प्लीज़ तो इट इज़ इन फेवर ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बॉट्स फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स तो जैसे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं तो कई बार ये लगता है कि ओके okay, uh, इतनी मीटिंग्स अगर इन पर्सन ना अटेंड करें हम हमारे जगह एआई या कोई बॉट अटेंड करें और फिर uh, वो और हम जो है वो मेन जो थिंकिंग है या फिर जो वर्क है वो करें तो उससे रिलेटेड ये एक एडिटोरियल है आपको क्विकली रीड करना है पैसेज के एंड में कु कैप बेस्ड क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना है और फिर हम ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ओके सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये uh, जो है टॉपिक है तो इसी डिफरेंट रीड डिफरेंट जो है टॉपिक्स आपको रीड करने चाहिए ठीक है चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है फिर ए आई से रिलेटेड टेक्स से रिलेटेड हों या फिर जो है लिटरेरी आर्टिकल्स होते हैं या कि कोई जो जैसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था तो उनकी राइटिंग्स के ऊपर बेस्ड है या फिर कोई फ़ेमस पर्सनालिटी है उनके डिमाइस के बाद उमेचरी पब्लिश होती हैं तो वो सब रीड करनी चाहिए तो आपको एक वैरायटी जो है वैरायटी ऑफ कंटेंट रीड करने की आदत होगी और ईजी रहेगा आपके लिए क्योंकि रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी वोकैबलरी भी डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ होते हैं अगर आप सिर्फ़ इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वो लिमिटेड वोकेबलरी होती है ठीक है तो जितने वैरायटी ऑफ आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी उतनी इंप्रूव होगी तो यहाँ पर हमें प्लेग से जो है क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है प्लेग यूज़ हुआ है पैसेज में ऑप्शन है हमारे पास डिनाउंस प्रॉस्पेक्ट ट्रिवेस्टी एफ्लिक्ट एंड डाउन ठीक है तो ये क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज के बाद

एक्सपर्ट्स uh, का कहना है कि बहुत सारे हैं कि ए जो है वो uh, उसकी उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए क्योंकि कि वो एक तो जॉब्स ले लेगी अगर ए uh, आई जो है वो uh, काम करने लगेगा जो हम करते हैं तो फिर लोग पीपल विल लूज़ देयर जॉब्स ठीक है और लाइकनेस क्या होता है ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिखने में लगता है कि ये सिमिलर uh, है लाइक ठीक है लाइक क्या होता है किसी चीज़ को पसंद करना अच्छा लगना कोई चीज़ बट लाइकनेस इज़ डिफरेंट ठीक है लाइकनेस किसी को किसी चीज़ को पसंद करने के आ, नाउन को नहीं कहते लाइकनेस मीन्स कोई चीज़ से सिमिलर कोई चीज़ दिखती है तो उसको हम कहते हैं लाइकनेस ठीक है सो स्टील पीपल्स लाइकनेसेस यानी कि लोगों के जैसा दिखना अगर ए है वो आ, किसी पर्सन के जैसा वीडियो क्रिएट कर देता है जिसमें वो वैसा ही पर्सन दिख रहा है पर एक्चुअली में वो था ही नहीं हम कहेंगे कि जो ए है उसने उस पर्सन की लाइकनेस यानी कि जिस जिस तरह वो दिखता है पर्सन वो आइडेंटिटी उसने चुरा ली ओके तो एंड वॉइस टू क्रिएट और वॉइस भी जो है ए यूज़ कर सकता है सो अ रिस रिपोर्ट बाय यू एस थिंग टैंक हैज़ फाउंड दैट ए आई कैन इवन बी यूज टू प्लान बायो वेपन अटैक्स तो ये एक और एक कंसर्न है ए आई से रिलेटेड एंड थ्री यूरोपियन बॉडीज हैव पुट आउट अ स्टेटमेंट आस्किंग द यूरोपियन यूनियन टू रेगुलेट द टेक्नोलॉजी बिफोर इट इज़ यूज टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी तो यहाँ पर यूरोपियन बॉडीज़ यानी कि तीन ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक uh, कहा है स्टेटमेंट इशू की है कि यूरोपियन यूनियन को रेगुलेट करनी चाहिए कंट्रोल करनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे पहले कि uh, वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए वीकन करने के लिए यूज़ uh, की यूज़ होने लगे किसी चीज़ को जब आप अंडरमाइन करते हो यानी कि आप उसकी फाउंडेशंस को हिलाते हो आप उसको वीक कर देते हो उसको खतरे में डाल देते हो तो डेमोक्रेसी खतरे में ना आए अच्छा क्या अंडरमाइन का ऑपोजिट ओवरमाइन होता है नहीं ओवरमाइन जैसा वर्ड नहीं होता ठीक है ओके तो यहाँ तक हमने ये देखा ऑलराइट तो यहाँ तक जितना देखा हमें लग रहा है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है ए का क्या पूरे पैसेज में भी होगा जरूरी नहीं है सो फॉर ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर हाव प्लेग बाय अनरियलिस्टिक डेडलाइंस एंड एंड एन एंगजाइटी इंड्यूसिंग स्टार्क ऑफ अनरेड ई मेल्स ऑल ऑफ ऑल ऑफ़ दी अब डूम्स डेन्यूज मे बी कैंसल आउट माई द न्यूज दैन ए आई कैन अटेंड वर्चुअल मीटिंग्स ऑन देअी हाफ तो यहाँ पर हाव एवर के साथ ही जो पैसेज uh, की टोन है वो चेंज होती है और यहाँ पर जहाँ तक कि जहाँ पर क्रिटिसिजम था कि क्या क्या कंसर्नस हैं uh, क्या क्या डिफरेंट uh, ऑर्गनाइजेशन ने कहा है लेकिन जो ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है उसके लिए डिफरेंट है ए आई कैसे कि एक तो पहले यहाँ कि जो ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है वो प्लेग्ड प्लेग्ड क्या होता है ट्रबल्ड किसी चीज़ से परेशान ठीक है कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम तक आपको परेशान करती है तो आप उसको प्लेग यूज़ uh, करते प्लेग तो वैसे एक डिजीज़ थी ठीक है तो वहाँ से ये वर्ड फिर uh, बन गया कि प्लेग करना दैट मीन्स टू ट्रबल सम वन प्लेगड बाई अनियलिस्टिक डेडलाइंस कि जो एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर के पास uh, जो डेडलाइंस होती हैं वो बहु, 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 बहुत बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक यानी कि वो अचीवेबल नहीं होती एंड एन एंगजाइटी इंड्यूसिंग स्टैक ऑफ अनडमेज और इतने सारे ईमेज आते हैं कि वो रीड नहीं कर पाते हैं ठीक है सो ऑल ऑफ द अबव डूम्स डे सिनारी वट इज़ डूम्स डे कि जब दुनिया ख़त्म होगी एंड होगी तो ए, ऐसा लगता है कि ये सब जो सीनारी हैं कि आ, ये जो अब ऊपर जो सीनारी डिस्कस किए थे कि डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी लोगों की जो आइडेंटिटी है वो चुरा ली जाएगी तो ये जो डूम्स डे सारी ऊपर डिस्कस किए गए हैं मे बी कैंसल आउट बाई द न्यूज़ कि की एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर के लिए डूम्स सिनेरियोस एक तरफ है दूसरी तरफ है एक न्यूज़ कि उनके उनके जो वर्चुअल मीटिंग्स है वो ए आई ले सकता है उनकी जगह तो एक तरफ तो है कि जो डूम्स डे सिनारी दूसरी तरफ एक एडवांटेज भी है ए का कि ए उनके लिए या उनकी जगह वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है सो इन दाइन टू फाइव एंड मोर ऑफिस ग्राइंड फ्यू थिंग्स आर एज अनपॉपुलर एज द मैंडेटरी मीटिंग वेयर मच इज़ सेड एंड लिटल इज़ अचीव्ड। तो अब यहाँ पर मैंशन है कि जो नाइन टू फाइव जो वर्क uh, शेड्यूल होता है एंड मोर समाइम्स इवन मोर तो उसमें ऑफिस ग्राइंड ग्राइंड तो किसी चीज़ को क्रश करना होता है ठीक है जैसे कि स्पाइसिस को आप ग्राइंड करते हो बट दिस इज़ डिफरेंट ग्राइंड होता है जब आप एक बहुत मुश्किल काम आ, या फिर कहें कि बोरिंग काम बा रिपीट पे करते जाते हो करते जाते हो ठीक है तो डिफिकल्ट और बोरिंग वर्क वो आप लगातार करते जाते हो तो यहाँ पर हम स्लॉग जो है वर्ड वो भी यूज़ करते हैं स्लॉगिंग डैट मीन्स कि वो वर्क मुश्किल से वो कर रहा है रिपीट पे कर रहा है बट वो एक्साइटिंग नहीं है वर्क एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल सो Uh, इस सीनारियों में क्या होता है फ्यू थिंग्स आर एज अनपॉपुलर एज द मैंडेटरी मीटिंग तो इन सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसी मीटिंग्स जहाँ पर सिर्फ बात होती है little इज़ achieved. यानी कि सिर्फ बात होती है लेकिन कुछ आउटकम नहीं निकलता ये ऐसी मीटिंग्स जो है वो अनपॉपुलर हैं एम्प्लॉयज़ जो है वो ऐसी मीटिंग्स नहीं प्रेफर करते विच इज़ वाई the बाई कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट दैट देअ न्यू ए आई असिस्टेंट्स कैन टेक द प्लेस ऑफ ह्यूम्स इन मीटिंग्स कम्स एज अ प्रॉमिस तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये एक प्रॉमिस है तो यहाँ पर देखो पूरा जो पैसेज है उसकी टोन ही चेंज हो गई अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक प्रामिसिंग चीज़ है एक, एक अच्छी चीज़ हो सकती है एम्प्लॉज़ के लिए ओके नॉट जस्ट फॉर रिलेक्टेंट पार्टिसिपेंट्स रिल्कटेंट होता है हेजिटेंट जो पार्टिसिपेट जो मीटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता तो वो उसके लिए भी आ, सिर्फ ना सिर्फ उसके लिए बट ऑल्सो फॉर दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दीज मीटिंग्स और मीटिंग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक प्रामिस है एक, एक अच्छा अच्छी चीज़ हो सकती है कैसे अनलाइक अ ह्यूमन वर्कर ए आई विल टर्न अपन टाइम ह्यूमन वर्कर्स जो है उनका शेड्यूल आगे या पीछे हो जाता है बट ए आई जो है वो हमेशा टाइम पर ही आएगा ठीक है नॉट डी रेल डिस्कशंस डी रेल क्या होता है रेल uh, होता है जिस जो पाथ है ठीक है डी रेल मतलब पाथ से हट जाना अपने रास्ते से हट जाना तो कई बार डिस्कशन स्टार्ट होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में और एक डायरेक्शन में जाने की बजाय वो डिटेल होकर कहीं और डिस्कशंस चली जाती हैं और प्रोडक्टिव नहीं होती हैं तो वो नहीं होगा उनके साथ ठीक है विद डिस्कशंस विद सिगेस एंड मोनोलॉग्स तो अब ये क्या होते हैं मोनोलॉग होता है मोनो सिंगल तो मोनोलॉग यानी एक पर्सन बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है तो कई बार ऐसा होता है मीटिंग्स जो है वो हाईजैक हो जाती हैं काइंड ऑफ दैट मीन्स कि वो Uh, जो एक स्पीकर है वही बोलता जाता है बाकी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाते या फिर सीज मतलब कि एक पर्सन uh, बोल रहा है फिर वो शिफ्ट uh, कर जाता है किसी और सब्जेक्ट पे फिर शिफ्ट कर जाता है किसी और सब्जेक्ट पे ठीक है तो uh, वो नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये ए नहीं करेगा इट विल कीप डिलीजेंट नोट्स डिलीजेंट होता है कि बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगा के ध्यान से केयरफुली आप कुछ काम करते हो तो ए आई जो है मीटिंग के नोट्स रखेगा प्रॉपर एंड प्रोवाइड अ समरी एट दी एंड ए आई कैन ऑल्सो भी यूज टू इनफोर्स मीटिंग एटिकेट अब कई बार क्या होता है कि नाउ डूइंग इन दू एस मीटिंग बॉट्स कैन बी प्रोग्राम टू पॉइंट आउट वेन सम पार्टिसिपेंट्स आर डोमिनेटिंग डिस्कशंस और इंटरप्टिंग अदर्स तो बहुत बार मीटिंग्स में एटिकेट्स एटिकेट्स होते हैं कि करेक्ट बिहेवियर राइट बिहेवियर वो फॉलो नहीं होता तो इनकी स्पेलिंग पर आपको ध्यान देना है ठीक है ई टी आई क्यों यू ईट डबल टी ई तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है कई बार एटिकेट की स्पेलिंग ध्यान रखना है तो uh, क्या होता है कि कंपनी मीटिंग्स में कई बार uh, जो मैनर्स हैं उनको नहीं फॉलो किया जा सकता है, तो बॉर्ड्स को प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर कोई पर्सन मीटिंग को डोमिनेट कर रहा है या फिर किसी को इंटरप्ट कर रहा है रोक रहा है बोल बोलने से तो वो पॉइंट आउट कर सकता है बॉड तो इससे क्या होगा कि मीटिंग्स uh, जो हैं वो बेटर होंगी ओके तो यहाँ पर ये यह मैंशन है ठीक uh, है सो डिस्पाइट द रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट दो ह्यूमन्स विल हैव टू कॉन्टीन्यू ब्रेविंग एन and एंड uh, and एंड burnt, and burnt coffee कॉफी एट फिजिकल मीटिंग्स फॉर अ yet लेकिन भले ही बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है AI deep, humans जो है यानी कि वर्कर्स उन्हें जो है दे है तो ये ब्रेव करना क्या होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना ब्रेव करना तो ब्रेव एक एडजेक्टिव होता है एक ब्रेव पर्सन बट ब्रेव को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो ब्रेविंग मीन्स फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस ओके तो एंड अब यहाँ ऑन क्या होता है कि कोई बहुत बोरिंग uh, जो है वो टास्क है तो वो ऑन हो जाएगा तो उसको दे विल हैव टू अभी अभी इतना एआई एडवांस नहीं हुआ कि ये सब पॉसिबल हो पाए तो इसलिए अभी वर्कर्स को Uh, अपना जो काम है वो करते रहना पड़ेगा एंड बर्न कॉफी एट फिजिकल मीटिंग्स तो उन्हें फिजिकल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी बर्न कॉफ़ी वहाँ पर सजेस्ट किया है कि मे बी दे डू नॉट गेट प्रॉपर कॉफ़ी और समथिंग बट बर्न कॉफी फॉर एट फिज़िकल मीटिंग्स फॉर अ एट तो अभी कुछ टाइम तक तो ऐसा नहीं होने वाला जो यहाँ पर मैंशन है अभी कुछ टाइम तक ता। फिजिकल मीटिंग्स ही चलेंगे इफ़ देयर इज एनी ट्रुथ टू वॉट इज़ के ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन प्रोडिक्टिंग द डे इज़ नॉट फार वैन ए आई विल टेक ओवर द प्लैनट अब अगर हम uh, माने जो कैसनराज है टेक्नोलॉजी के तो सी कैपिटल है यानी कि यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई कैसेंड्रा एक uh, ऐसे माइथोलॉजी uh, में एक ऐसे फिगर थे जिसके पास एबिलिटी थी फ्यूचर प्रोडिक्ट करने की तो कैसेंड्राज ऑफ टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं और प्रडिक्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे फ्यूचर में तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑथर कह रहे कि अगर हम जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानते हैं और चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं अगर हम उनकी बात माने ठीक है उनकी बात में अगर ज़रा भी सच्चाई है तो कुछ टाइम में वो दिन दूर नहीं है जब ए जो है वो डोमिनेट करेगी वर्ल्ड इट विल टेक ओवर द वर्ल्ड प्लानट ओके बिफोर दैट कुड इट प्लीज़ टेक ओवर ऑल द मीटिंग्स लेकिन उससे पहले क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी मीटिंग्स टेक ओवर कर ले यानी कि मीटिंग्स हमारी जो है वो ए के थ्रू हो तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ऑथर ए uh, को सपोर्ट करता है मीटिंग्स के लिए या नहीं तो आप कह सकते हैं येस डेफिनेटली ऑल्स पैसेज की बिगिनिंग में मैंशनड है कि क्या क्या कंसर्नस हैं लेकिन क्लियरली यहाँ पर मैंशनड है कि जो ऑथर uh, यहाँ पर वर्ड्स यूज करता है कि दे विल हैव टू ब्रेव एन यानी कि सामना करना पड़ेगा इस सिचुएशंस का यहाँ पर मैंशनड है कैसे मीटिंग्स बेटर होंगी अगर एआई जो है uh, वो इन्वॉल्व uh, होता है वर्चुअल मीटिंग्स में और यहाँ पे लास्ट लाइन से भी हम देख सकते हैं कि कुड इट प्लीज़ टेक ओवर ऑल द मीटिंग्स तो एक ये, ये, ये एक रिक्वेस्ट की तरह है. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऑथर इसके फेवर में है अगेंस्ट नहीं है यूजिंग ए आई इन इन वर्चुअल मीटिंग्स और क्या ऑथर को लगता है कि ये सब uh, जो ये जो कंसर्नस यहाँ पर लिखे हैं ये सब बेसलेस है ऐसा भी नहीं है ठीक है कहीं भी ऑथर ने ये नहीं कहा कि बेसलेस कंसर्नस हैं सिर्फ ये कहा है कि ये कंसर्नस है और ए जो है वो मीटिंग्स में भी यूज़ हो सकती है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है रीड करते हुए आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करना है कि या कहीं कि ये देखना है कि ऑथर क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस से ये एडिटोरियल हमने देखा और प्लेग जो वर्ड था जैसे हमने देखा वहाँ पर ट्रबल किसी को परेशान करना वो होता है तो डिनाउंस प्रोस्पेक्ट ट्रेविस्टी एफ्लिक्ट डाउन प्ले यहाँ पर एफ्लिक्ट uh, करना किसी को एफ्लिक्शन होता है कोई डिजीज़ कोई आ, आ, तो एफ्लिक्ट करना दैट मीन्स टू ट्रबल सम वन तो वो सिमिलर है मीनिंग में तो डी इसका आंसर होगा डिनाउंस होता है किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना ठीक है सीवियरली क्रिटिसाइज़ करना प्रॉस्पेक्ट होते हैं क्या फ्यूचर में चांसेज़ हैं ठीक है तो ये दोनों ही सिमिलर नहीं है हमारे जो वर्ड गिवन है प्लेग से ट्रेवस्टी होता है कि जिससे एक मौकरी बना देना एक मजाक बना देना किसी चीज़ का ओके एंड डाउन प्ले होता है किसी के इफ़ेक्ट को कम शो करना ठीक है तो डाउन प्लेड द इंसिडेंट कि इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए उसको दबाने की कोशिश की है तो डाउन प्ले करना उस किसी चीज़ के इम्पैक्ट को कम शो करना कम समझना तो डी इसका आंसर होगा ऑल राइट एंड जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के आ, आ, पैसेज में वो हमने यहाँ देख लिए हैं आपको तौर पर ये सी के ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको ठीक है ये सिर्फ वो पैसेज में क्या था वो समझने के लिए मोनोलॉग आपको पता होना चाहिए ठीक है ये बाकी सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ओके की ये और ग्राइंड भी क्यों है क्योंकि एक डिफरेंट मीनिंग जो है उसका वो यहाँ पर है तो ऐसा नहीं आप ग्राइंड सिर्फ देखोगे कि क्रश करना किसी चीज़ को ठीक है डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं इसलिए रीड करना इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट से समझना ज़रूरी है एटिकेट की स्पेलिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी है मीनिंग तो पता होना ही चाहिए स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना है और अनवई का भी स्पेलिंग भी और मीनिंग भी ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आई होप यू लाइक दिस सेशन डू लेट us नो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू